जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। धनवान बनने के लिए जानिए किस दिन खाएं कौन सी दाल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी बुद्धिमान और धनवान होने के लिए किस दिन कौन सी दाल खानी चाहिए। हम भोजन में अलग अलग दालें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दालों में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और कई रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन इन दालों का इस्तेमाल दिन के हिसाब से करने से हम अपने ग्रहों को भी अनुकूल बना सकते हैं और इनसे बुद्धिमान और धनवान भी बना जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को भोजन में मसूर की दाल, अदरक और लाल साग का त्याग करना चाहिए। इस दिन चने की दाल और मूंग की दाल खाने से तंदुरुस्त बना जा सकता है। इसके साथ साथ सोमवार को छिलके वाली उड़द की दाल अथवा अरहर की दाल खाने से व्यक्ति सेहतमंद रहता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो तो इस दाल को खाने से आपको तुरंत प्रभाव दिखने लगेंगे। अगर आप मंगलवार को मसूर की दाल खाते हैं तो इससे मंगल ग्रह को सकारात्मकता प्रदान होती है। बुधवार के दिन बुध देव से संबंधित होने के कारण उनके प्रिय मूंग की दाल, विशेषकर छिलके वाली मूंग की दाल से अच्छी सेहत और तेज बुद्धि मिलती है। गुरुवार को चने की दाल खाने से देव गुरु बृहस्पति की कृपा से धन और विद्या का प्रभाव प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन मूंग की दाल खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इस दिन चने की दाल नहीं खानी चाहिए, इससे गुरु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिवार को काली उड़द और मसूर दाल खाना लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।